जगदीश स्वामी मंदिर प्रांगण में चल रहे पंच दिवसीय मानस सम्मेलन में तीसरे दिन कथा के माध्यम से श्रोताओं को रसपान कराते हुए कथा व्यास आदित्य प्रकाश त्रिपाठी ने कहा, सनातन धर्म में परमात्मा को प्राप्त करने का सबसे सरल और सुगम साधन यज्ञ है। वेद भगवान एवं ऋषियों द्वारा बताया गया है कि यज्ञ भगवान का सगुण साकार विग्रह है। सृष्टि के आरंभ काल में जब ऋषियों ने परमात्मा से पूछा कि आप संतुष्ट कैसे होंगे, तो परमात्मा ने कहा, मुझे संतुष्ट करने के लिए मेरा पेट भरो, तभी आपका पेट भरेगा। भगवान ने कहा, मेरे मुख में डालिए तो मैं संतुष्ट हो जाऊँगा। साथ ही में सर्व व्यापक और सर्व रूप ब्रह्म के मुख का पता कैसे चले, इस समस्या का निदान वेदों ने किया है। अग्नि परमात्मा का मुख है, यहाँ से ही परमात्मा की प्राप्ति होती है। श्री राम को दशरथ जी ने यज्ञ से ही पाया, साथ ही सीता जी की प्राप्ति यज्ञ से ही हुई। वहीं झांसी से पधारे हुए पंडित राजेंद्र पाठक जी ने मानस की व्याख्यान करते हुए कहा कि सत्संग में 5 चीजें सहज मिलती है, जिसमें मति प्रथम है। आज जितने भी अपराध पापाचार हो रहे हैं, केवल मति खराब होने से ही हो रहे हैं। यदि व्यक्ति की मति सुधर जाएगी तो उसे कीर्ति स्वतः प्राप्त होगी, लेकिन व्यक्ति अच्छे कर्मों पर कम बुरे पर ज्यादा रुचि रखता है। अयोध्या से पधारे हुए संत श्री रमेश दास जी महाराज ने कहा कि हनुमान जी महाराज का जीवन सेवा भाव से भरा हुआ है। प्रायः लोग प्रेम तो करते हैं पर सेवा के नाम पर किनारा काट लेते हैं, लेकिन हनुमान जी महाराज प्रेम भी करते हैं और सेवा भी करते हैं। वॉइस ऑफ राइट्स क्लिप अवैध से रविशंकर सोनी की रिपोर्ट।